नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं खट्टन और आप देख रहे हैं लोलम लोल न्यूज। तो आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्ट्रगलर की, ये है सारा अली खान। पर आजकल इनकी स्ट्रगलिंग की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें उनकी पूरी स्ट्रगल की स्टोरी बता रहे हैं रोहित शेट्टी। अमृता सिंह और सैफ अली खान की डॉटर अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज, मुझे रोना आ गया। अरे मैंने बोला तू पिक्चर कर ले, क्या बात है। चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सड़क वन और सड़क टू। पहले देखते हैं सड़क वन। अब हम आपको दिखाते हैं सड़क टू। और इस सड़क टू को लोगों ने बहुत डिसलाइक दिया है। जी हाँ, पर अगर सड़क ऐसी ही रही तो लगता है लोग डिसलाइक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे। जी पर बहुत खड्डे हैं यार, डिसलाइक तो करेंगे ही, कोई बात नहीं। एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि टिकटॉक वापस आ रहा है, है? क्यों? पर क्यों? और कौन ला रहा? ठीक है भाई, आगे चलते देखते हैं लोगों के क्या रिएक्शन है इस बात को लेकर। जी मैडम, टिकटॉक शायद वापस आ रहा है। क्या टिकटॉक वापस आ गया? ओ बाप रे, अब फिर से मेरा बेटा बेटी बन जाएगा। पहले ही 10 लड़कों के रिश्ते आ चुके हैं। सबको समझा समझा के थक गई कि भाई वो मेरा बेटा है बेटी नहीं। अब ये टिकटॉक फिर से वापस आ गया, अब फिर से उसके नखरे शुरू। मम्मा वो आपकी लाइट ब्राउन कलर की लिपस्टिक, मम्मा वो आपकी पिंक साड़ी। ओ माय गॉड, अब फिर से उसको पता चले कि टिकटॉक वापस आ गया, मैं अपनी सारी साड़ियां और मेकअप किट छुपा देती हूँ। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुकी है टिकटॉक स्टार जिद्दी जू। हेलो हेलो जिद्दी, टिकटॉक शायद वापस आ रहा है, तो आपके क्या रिएक्शन है? ये क्या था? जी मेरा रिएक्शन था। टिकटॉक आने से पहले इतना लंबा रिएक्शन, टिकटॉक आया तो क्या करोगी? मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। जी नहीं नहीं, तुम कर लो, हम तो फ्री बैठे हैं, हम तो बैठे हैं। एक और आइटम है, दिखाओ। नहीं 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 नहीं, अरे यार टिकटॉक आए उसके लिए कुछ टॉर्चर बचा के रखो। क्या मतलब? मतलब टिकटॉक आए तब उसमें डालने के लिए कुछ टैलेंट और कंटेंट बचा के रखो, ऐसा। हाँ, और मैं क्या कह रही थी? बस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ टिकटॉक आए उसकी मर्जी है, पर आए तो आधार कार्ड लिंक करवाओ यार, और नीचे लिखवाओ नाम के नीचे मेल फीमेल, क्लियर होना चाहिए। वैसे
जिंदी थी बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारे संवाददाता टंटन के साथ। जी टंटन, टॉर्चर ही टॉर्चर है, पतियों पर पत्नी का टॉर्चर है, टॉर्चर ही टॉर्चर है, बीवियों से परेशान पतियों की बात है, पतियों को कूटना पत्नियों का काम है, पत्नियों का काम है, टॉर्चर ही टॉर्चर है। स्वागत है आपका। पत्नियों का पति पे अत्याचार और पति मांग रहे हैं इंसाफ की पुकार। जरा टॉर्चर ही टॉर्चर है। जरा धीरे बोलिए। सॉरी। एक पत्नी ने अपने पति पर अत्याचार किया, एक छोटी सी बात पर अपने पति का टकला साफ किया। टॉर्चर टॉर्चर है। थैंक यू टंटन। अब हम बात करने जा रहे हैं पत्नी पीड़ित पति से। जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, बताइए आपके साथ क्या हुआ? ये हुआ है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? उसने कहा नींबू लेके आइए। मैंने कहा नींबू तो मैं लेके आऊं, पर एक प्रॉब्लम है। उसने कहा जो भी प्रॉब्लम मुझे बताइए, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैंने कहा नींबू तो मैं लेके आऊं, पर बारिश में मेरे बाल भीग जाएंगे। फिर ये हाल हुआ। क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? अच्छा हुआ इसने ये नहीं कहा कि मैं पूरा भीग जाऊंगा। पता नहीं फिर क्या करती इसकी पत्नी। पर ये आपकी प्रॉब्लम दूर की है या भड़ास निकाली है? भड़ास, पूरी भड़ास निकाली है उसने। आ गई है उनकी पत्नी हमारे साथ। ये क्या किया आपने अपने पति के साथ? आप यहाँ हमारी पर्सनल बातें बताने आए हैं? नहीं, ये तो आप उन्हें डरा रही हैं। ऐसे नहीं कर सकती हो आप। क्या ये आपके पति हैं? नहीं। तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम अपना काम करो, ये मेरे पति हैं, मैं इनके साथ जो करूँ वो तुम कौन हो तो हमारे बीच में बोलने वाले? और आप आप बस एक बार घर पे आइए, घर की बात दूसरों को बताते हो, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? आपकी तो आज खैर नहीं है, किधर चले गए ये? और तुम लोगों को दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो, जरा सी भी शर्म नहीं आती है ना? है सालो, ये लोग भी चले गए। आप लोग क्या देख रहे हैं? इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हैं? ऐसी वीडियो देख के चले जाते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप, आपकी तो आज खैर नहीं।